इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एनसीपी नेता शरद पवार ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। पुणे में जनसभा को संबोधित करते हुए पवार ने बीजेपी को भी घेरा है। पवार ने कहा है कि लोकसभा में मोदी को महाराष्ट्र की जनता ने नकारा है। साथ ही साथ पवार ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी को जनता को हिसाब देना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि लोकसभा में बीजेपी ने 400 सांसदों की मांग की थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि देश चलाने के लिए 400 सांसद क्यों चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी देश का संविधान बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये नारा दिया। उन्होंने आखिरी में ये कहा है कि विधानसभा के चुनाव में भी जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर एनसीपी नेता शरद पवार ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। पुणे में जनसभा को संबोधित करते हुए पवार ने बीजेपी को भी घेरा है। पवार ने कहा है कि लोकसभा में मोदी को महाराष्ट्र की जनता ने नकारा है। साथ ही साथ पवार ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी को जनता को हिसाब देना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि लोकसभा में बीजेपी ने 400 सांसदों की मांग की थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि देश चलाने के लिए 400 सांसद क्यों चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी देश का संविधान बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये नारा दिया। उन्होंने आखिरी में ये कहा है कि विधानसभा के चुनाव में भी जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर एनसीपी नेता शरद पवार ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है।